हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल बी टेक पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूँ वो है दोस्तों कि जो कंपनीज अपने स्मार्टफोन को मतलब कि किस तरह एडवर्टाइज़ करती है या फिर अपने जो ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाती है। दोस्तों, अगर आपने ब्रांड वैल्यू के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा वीडियो का, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। दोस्तों, हर एक कंपनी चाहती है कि उसकी जो ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी हो जाए ताकि जो कस्टमर्स है उसी कंपनी को लेने के लिए सोचे। जैसे कि इंडिया में मैक्सिमम आईफोन के बारे में जो ब्रांड वैल्यू है उसकी, उस कारण काफ़ी लोग आईफोन चाहे जिस भी जनरेशन का हो ले लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भी मतलब कि ब्रांड वैल्यू है, जैसे आईफोन की ब्रांड वैल्यू है। दोस्तों, इस ब्रांड वैल्यू मतलब कि किसी भी स्मार्टफोन की ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए दोस्तों सबसे बड़े जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले दो बड़े मेजर फैक्टर्स होते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला मेजर फैक्टर होता है वो होता है कंपनीज का जो एडवर्टाइज होता है वो टीवी के थ्रू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा मैक्सिमम जो मतलब कि टीवीज में एड आती है वो अगर कई बार स्मार्टफोन्स की आती है तो उस स्मार्टफोन के जो मार्केट में काफ़ी चांसेस होते हैं बिकने के। जैसे कि दोस्तों, आपने ओप्पो और वीवो के केस में ये देखा है। दोस्तों, जो ओप्पो और वीवो ने काफ़ी मतलब की स्ट्रेटेजी बनाकर गेम खेली। दोस्तों, उसने जो रिटेलर होता है उसको भी मतलब कि अपने साथ काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व कर दिया अपने स्मार्टफोन बेचने के लिए। और दोस्तों, अपने बैनर्स होल्डर्स इस तरह से काफ़ी यूज़ किए। दोस्तों, इसमें कंपनी का भले ही काफ़ी खर्चा आया हो, लेकिन दोस्तों उन्होंने ये खर्चा अपने स्मार्टफोन के थ्रू निकाला। जैसे कि अपने को स्मार्टफोन हो उसको मतलब कि हाई रेट में बेचकर उन्होंने एक सारा मतलब कि खर्चा निकाल दिया। जैसे कि दोस्तों, ऑफलाइन मार्केट में आप जानते हो कि ओप्पो और वीवो के काफ़ी स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, और उस स्मार्टफोन में जो भी स्पेसिफिकेशन होती है वो काफ़ी लो स्मार्टफोन रेंज की होती है ऑनलाइन मार्केट के कंपैरिजन में। और दोस्तों, आप ऑनलाइन मार्केट के कंपैरिजन में अगर देखें तो उस स्मार्टफोन में आपको उस टाइप की स्पेसिफिकेशन नहीं देखने को मिलती है उस प्राइस रेंज पर। मान लो जैसे कि आपके पास कोई 10,000 का स्मार्टफोन हो, अगर आप उस स्मार्टफोन को ऑफलाइन मार्केट में लेंगे तो आपको स्पेसिफिकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, और वहीं पर अगर आप ऑनलाइन मार्केट पर लेते हो तो स्पेसिफिकेशन आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, इस तरह से ही मतलब कि स्मार्टफोन में आपको देखने को मिला ओप्पो और वीवो के। दोस्तों, इन्होंने मतलब कि कस्टमर्स को एक बार स्मार्टफोन बेच लिया, लेकिन इनको बाद में मतलब कि काफ़ी नुकसान देखने को मिला। क्योंकि दोस्तों मतलब कि अगर आप शाओमी के केस अगर देखें एडवर्टाइज़ केस, तो दोस्तों उन्होंने शुरू में कोई भी एडवर्टाइज़ नहीं किया। उन्होंने कस्टमर को मतलब कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा दिया, और मतलब कि काफ़ी जो कस्टमर्स थे उन्होंने उसकी मार्केटिंग कर दी। जैसे कि मान लो एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बताया कि ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, जैसे शाओमी ने शुरू में किया। और दोस्तों, जैसे जैसे मतलब कि कंपनी हिट हुई तो दोस्तों उसने बाद में एडवर्टाइज़ भी कर दिया, और दोस्तों जो एडवर्टाइज़ का खर्चा था उसका बहुत बहुत कम था जो उसने शुरू में मतलब कि अपने कस्टमर्स को इन्वॉल्व कर दिया, तो उसमें काफ़ी कम खर्चा देखने को मिला। तो दोस्तों, इस तरह से भी मार्केटिंग की जाती है। और दोस्तों, थर्ड फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि यूट्यूब है। दोस्तों, यूट्यूबर्स मतलब कि आपको हर एक सामान की काफ़ी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देंगे, और काफ़ी मतलब कि आपको प्रोडक्ट्स बताएंगे जो कि काफ़ी अच्छा यूज़ करने के लिए हो, और आपको काफ़ी अच्छी इनोवेशन देखने को मिल जाती है। जो दोस्तों उस प्रोडक्ट के लिए आपको मतलब कि यूट्यूबर्स बताएंगे। और दोस्तों, यूट्यूब भी मतलब कि एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है मार्केटिंग का। जैसे कि शाओमी के प्रोडक्ट्स शुरू में हुए, उसका रियलमी और एसूस भी आजकल उस टाइप की स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से एडवर्टाइज से मतलब कि टीवी की एडवर्टाइज से वो बच गए, और ना उनको बैनर वगैरह के ऊपर खर्चा नहीं हुआ, और इस कारण उनके पैसे ही बचे और प्रोडक्ट सस्ता बिका और जो मतलब कि सबसे ज़्यादा बिका। तो दोस्तों, इस तरह से एडवर्टाइज़ करने से काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाता है मार्केटिंग पर। दोस्तों, मार्केटिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो दोस्तों, इस टाइप से हर एक कंपनी अपनी अपनी मार्केटिंग कर देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे मेरे चैनल बी टेक, आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।
वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत दोस्तों।